हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी विषय हिंदी प्रार्थना पाठ एक। पाठ एक में क्या है प्रार्थना और ये प्रार्थना किन्होंने लिखी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये प्रार्थना संत रैदास जी ने लिखी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है, अपनी फर्स्ट लाइन जो है प्रार्थना की वो क्या है वो देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश शमानी। प्रभु जी आप हे ईश्वर, आप चंदन के जैसे हैं और हम पानी के जैसे हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरे अंग में पूरे शरीर में बास बास मतलब होता है सुगंध समा गई हो हे ईश्वर। फिर सेकंड लाइन क्या है, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु जी आप तुम मतलब आप हे ईश्वर घन मतलब बादल की तरह हैं और हम मोर जैसे चितवत चंद चकोरा, और हम आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि चकोर नाम का एक पक्षी होता है और वह चितवत मतलब होता है देखना और वह चांद को देखता हो। फिर थर्ड लाइन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु जी हे ईश्वर आप दीपक की तरह हैं और हम उसमें बाती की तरह हैं, जैसे कि ज्योति मतलब होता है दीपक जलना, जैसे ज्योति यानी दीपक दिन रात जलता यानी दीपक से लौह निकलती हो। फिर है फोर्थ लाइन क्या है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। हे प्रभु जी आप उस मोती की तरह हैं और हम उस मोती जो मोती को धागे में पिरोए जाते हैं यानी जो मोतियों की माला बनाई जाती है उस माला की धागा की तरह हमें जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलाने से और चमकदार हो जाता है। फिर फिफ्थ लाइन है अपनी, पांचवी लाइन है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। फिर कभी कहता है कि हे ईश्वर आप स्वामी हैं, मेरे ईश्वर हैं और हम आपके दास हैं, ऐसी भक्ति कौन करता है, ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, सेम आपको ऐसे ही पढ़ना है और आपको ऐसे ही समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।